मायावती कहीं ना कहीं अपनी रणनीति बदलते हुए नजर आ रही हैं, उपचुनाव में भी दांव चलते हुए नजर आ रही हैं। मैनिफेस्टो की बात करें तो वो लॉन्च तो उन्होंने नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके का ऑफर देना जनता को अपनी तरफ खींचने के लिए वो माना ही जा सकता है कि अब मायावती अपनी रणनीति में कहीं ना कहीं फेरबदल करने की कोशिश कर रही है। वहीं हरियाणा का देखा जाए तो उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ तो नहीं, लेकिन वहां पर अगर देखा जाए तो दुष्यंत सिंह चौटाला जो उनके भाई हैं अभय सिंह चौटाला के साथ गठबंधन के लिए हामी भर दी है, जाट व बैंक पर अपना पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे माना ही जा रहा है कि रणनीति जो है वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद को पछाड़ने की पूरी तरीके से है, चाहे वो मीरापुर हो, चाहे करहल हो, चाहे अन्य उपचुनाव की सीटें हो, कहीं ना कहीं उसको साधने का प्रयास बखूबी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, मैं आश्रुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। जिक्र करेंगे चंद्रशेखर आजाद का, जो लगातार चर्चाओं में तो बने हुए हैं, लेकिन चर्चाओं में बने रहने के बावजूद भी उनका साफ ऐलान कहीं ना कहीं आ चुका है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में अपने प्रत्याशियों पर सीधा दांव चलते चंद्रशेखर आजाद नजर आने वाले हैं। आजाद समाज पार्टी के मुखिया इस बार नगीना की सीट से जीत दर्ज कर चुके हैं, लेकिन जीत दर्ज करने के बाद राजनीति की सरगर्मियां उनके सर चढ़ चुकी हैं। ऐसे सर चढ़ी हैं कहीं ना कहीं कि अब उत्तर प्रदेश में तो दमखम बनाना ही चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की गद्दी पर तो नजर है उनकी, लेकिन 2027 तक के इंतजार से पहले तमाम राज्यों में भी सेंधमारी करने के प्रयासों में जुट चुके हैं। उत्तर प्रदेश की ओर भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले यह जान लीजिए कि चंद्रशेखर आजाद ने साफ ऐलान इस बात का कर दिया है कि तमाम राज्यों में जहां जहां भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें कहीं ना कहीं शामिल हरियाणा का नाम है, महाराष्ट्र का नाम है, दिल्ली का नाम है और तमाम उन राज्यों का नाम है, बिहार भी कहीं ना कहीं उस कड़ी में शामिल कर लीजिए, तमाम उन राज्यों का नाम है जिन राज्यों में चंद्रशेखर आजाद ने अभी तक लोकसभा चुनाव में अपने प्रत्याशियों को नहीं उतारा था, लेकिन अब आजाद उन्हीं राज्यों में उन्हीं क्षेत्रों में अपने प्रत्याशियों का दमखम इस बार के विधानसभा चुनाव में आजमाने जा रहे हैं। उससे पहले उपचुनाव की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं बनी हुई है। बिहार में उपचुनाव हो चुके हैं, अब नजरें यूपी के उपचुनाव पर है, उत्तराखंड के उपचुनाव पर है, तमाम राज्यों के उपचुनाव पर है जहां जहां सीटों से विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है और आजाद अब अपने प्रत्याशियों को उत्तर प्रदेश में भी उतारते नजर आ सकते हैं, जिसमें से एक सीट चर्चाओं में बनी हुई है, मीरापुर की सीट। मीरापुर की वो सीट है जिस सीट पर दलितों का उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक समीकरण है। 80-85% दलित वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं बिजनौर की मीरापुर सीट पर वासा हुआ है, लेकिन अब मायावती भी इस रेस में पीछे नहीं है। मायावती आकाश आनंद पर दांव चल सकते हैं, खबरें कहीं ना कहीं ऐसी ही अटकलें देती हैं। और इन अटकलों के बीच अगर चंद्रशेखर आजाद अपनी पत्नी को, वंदना कुमारी को, अगर मीरापुर की सीट से चुनावी मैदान में उतारते हैं तो कैसा समीकरण बनेगा, ये देखना कहीं ना कहीं दिलचस्प होने वाला है। और इसी दिलचस्प मुद्दे पर चर्चा करेंगे माही से। माही, क्या लगता है, मीरापुर की सीट सुर्खियों में तो बनी हुई है क्योंकि आजाद वंदना कुमारी पर दांव चल सकते हैं, आकाश आनंद पर मायावती दांव चल सकती हैं, क्या स्थिति आप मीरापुर की सीट पर देखती हैं? जी बिल्कुल, ऐसे में देखिए इस बार के उपचुनाव में कई ऐसी सीटें हैं जो कहीं ना कहीं आजाद के लिए भी उतनी महत्वपूर्ण है, अखिलेश यादव और मायावती सबके लिए ही उतनी जरूरी है। लेकिन अगर मीरापुर सीट की बात करें तो वो दिलचस्प इसलिए बनी है कि अब चंद्रशेखर आजाद ने खुद की एंट्री के साथ अपनी पत्नी के भी एंट्री कराने के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि मायावती की तरफ से आखिर वो प्रत्याशी कौन होगा, क्या आकाश आनंद होंगे या उनकी पत्नी होंगी। अब इस तरीके की अटकलें लगाई जा रही हैं कि यहां पर दलित समीकरण को साधने के लिए मायावती कहीं ना कहीं पूरा प्रयास करती हुई नजर आ रही हैं। अगर मायावती का इतिहास देखा जाए श्रुति, तो मायावती ने कभी भी उपचुनाव में किसी भी तरीके का दांव नहीं चला, उनकी एक कहीं ना कहीं ना उन्होंने किसी तरीके का मैनिफेस्टो कभी भी लॉन्च किया। तो ऐसे में माना ही जा रहा है कि मायावती की जो सीधी चलने वाली रणनीति थी अब कहीं ना कहीं उसमें बदलाव करती हुई नजर आ रही है। समय के हिसाब से जो मांग है पार्टी की, अब कहीं ना कहीं वो मायावती पूरी करने की कोशिश कर रही है और शायद यही वजह है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में पुरानी रणनीतियों की वजह से 432 सीटों पर कहीं ना कहीं प्रत्याशी तो उतार देती हैं, लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं दर्ज होती है। तो ऐसे में अब समय की मांग के हिसाब से मायावती कहीं ना कहीं अपनी रणनीति बदलते हुए नजर आ रही है, उपचुनाव में भी दांव चलते हुए नजर आ रही है। मैनिफेस्टो की बात करें तो वो लॉन्च तो उन्होंने नहीं किया है, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके का ऑफर देना जनता को अपनी तरफ खींचने के लिए वो माना ही जा सकता है कि अब मायावती अपनी रणनीति में कहीं ना कहीं फेरबदल करने की कोशिश कर रही है। वहीं हरियाणा का देखा जाए तो उन्होंने इंडिया गठबंधन के साथ तो नहीं, लेकिन वहां पर अगर देखा जाए तो दुष्यंत सिंह चौटाला जो उनके भाई हैं अभय सिंह चौटाला के साथ गठबंधन के लिए हामी भर दी है, जाट व बैंक पर अपना पकड़ बनाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसे माना ही जा रहा है कि रणनीति जो है वो कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद को पछाड़ने की पूरी तरीके से है, चाहे वो मीरापुर हो, चाहे करहल हो, चाहे अन्य उपचुनाव
की सीटें हों कहीं ना कहीं उसको साधने का प्रयास बखूबी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपने हरियाणा का जिक्र करा, हरियाणा के बारे में अगर थोड़ी बात करें, जिस हिसाब से इस बार अभय सिंह चौटाला की पार्टी इनेलो के साथ गठबंधन कहीं ना कहीं मायावती जो है कर चुकी है, अभय सिंह चौटाला पहले ही हरियाणा में जाट वोट बैंक को साधने में दिग्गज माने जाते हैं और उसी के साथ आप देखें मायावती ने जिस हिसाब से हरियाणा में गठबंधन किया है, क्योंकि आप देखें पहले हरियाणा में ही चुनाव है सितंबर के महीने से, सितंबर और अक्टूबर के महीने में करीबन आप देखें हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए जो वोटिंग है वो शुरू हो जाएगी और दिसंबर के अंत तक यानी साल 2024 के अंत तक हरियाणा में सरकार कहीं ना कहीं बन जाएगी। अब इसी बीच अगर देखें तो चंद्रशेखर आजाद भी ऐलान कर चुके हैं कि वो हरियाणा में अपने प्रत्याशी उतारते नजर आएंगे। क्या हरियाणा में प्रत्याशी उतारने के लिए चंद्रशेखर आजाद दुष्यंत सिंह चौटाला के साथ जाते नजर आ सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दोरा नहीं, अगर ऐसा कोई समीकरण बनता हुआ नजर आता है चंद्रशेखर आजाद को, अगर लगता है कि उनका जो दबदबा है वो हरियाणा में और मजबूत करना है तो शायद गठबंधन करते हुए नजर आए, लेकिन इतनी आसानी से मुझे नहीं लगता है चंद्रशेखर आजाद जाते ही वहां पर हरियाणा में दुष्यंत सिंह चौटाला, क्योंकि आप देखेंगे दुष्यंत सिंह चौटाला का जो टाई अप है कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के साथ है और वो चंद्रशेखर आजाद वो नहीं चाहेंगे कि इंडिया गठबंधन के साथ किसी भी तरीके से और किसी भी राज्य में अपने रिश्ते बनाए, क्योंकि इस बार के जो विधानसभा चुनाव है 403 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने का उन्होंने खुद ऐलान कर दिया है। वैसे भी अगर चंद्रशेखर आजाद चाहे किसी और गठबंधन के थ्रू जाते हैं या फिर डायरेक्टली जाते हैं तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनका जो 403 सीटों पर प्रत्याशी उतारने का एक जुमला मात्र उनका वादा रह जाएगा और उसकी वजह से वो गठबंधन से दूरी बनाकर रखेंगे। हाँ, लेकिन एक वजह यह हो सकती है कि मायावती को हराने के लिए हो सकता है कि चंद्रशेखर आजाद अपनी सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारेंगे तो जाहिर तौर पर दलित वोट बैंक में सेधमारी करेंगे और इसका जो फायदा होगा वो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इंडिया गठबंधन को होता हुआ नजर आएगा और भारतीय जनता पार्टी को खासा नुकसान देखने को मिल सकता है। लेकिन माही, आजाद कहीं ना कहीं इस बात पर ऐलान तो कर चुके हैं कि इंडिया गठबंधन के साथ अभी नहीं तो आने वाले समय में गठबंधन करते नजर आएंगे और इंडिया गठबंधन में शामिल होते नजर आएंगे, क्योंकि आजाद का दबदबा बढ़ चुका है यूपी में। अगर आप देखें तो यूपी में जनता जो है वो प्रधानमंत्री मोदी से ज्यादा, योगी आदित्यनाथ से ज्यादा चंद्रशेखर आजाद की ओर अपना रुख बदल रही है और आजाद ने दलितों को साधने के लिए जिस हिसाब से रणनीतियां बनाई हैं, दलितों की संख्या पूरे देश में हर एक राज्य में कुछ कुछ प्रतिशत आपको दलित मिल जाएंगे। यूपी में बात करें, यूपी में 20-22% दलितों की संख्या है। जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश साधने का प्रयास कर रहे हैं, क्या उस हिसाब से तमाम राज्यों में विधानसभा चुनाव है, क्या यहाँ पर पार्टी में सेंधमारी करते आजाद नजर आ सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए चंद्रशेखर आजाद कहीं ना कहीं एक कह लीजिए चाणक्य नीति के हिसाब से चलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनके रिश्ते आप देखेंगे ना हर राज्य में एक ऐसे मजबूत नेता की तरफ मजबूत है जहां पर उनकी पकड़ अच्छी है। बिहार में आप देख लीजिए पप्पू यादव के साथ उनके अच्छे रिश्ते हैं, वहीं हिना साहब के साथ हैं और दिल्ली में अगर बात कर लिया जाए तो जंतर मंतर पर कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने के लिए पहुंचे थे, वहीं मनीष सिसोदिया के साथ उनके रिश्ते जो है वो बेहतर हैं और वहीं ऐसे तमाम राज्य हैं जहां पर अखिलेश यादव के साथ उत्तर प्रदेश में देखा गया था, आरएलडी के जयंत चौधरी के साथ उनके रिश्ते, तो ऐसे में कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद ने एक स्ट्रेटेजी के थ्रू और कह लीजिए कि उन्होंने ये इस बात का उनको अंदेशा था कि आने वाले दिनों में अपना पैर पसारते हुए नजर आएंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वो सभी राज्यों में अपनी पैठ बनाते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे लोगों ऐसे नेताओं के बीच वो जाकर कहीं ना कहीं अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में उन्होंने अपने लिए दरवाजे खोल रखे हैं कि अगर जरूरत पड़ी उनकी पार्टी मजबूत बनी तो जाहिर तौर पर सामने से विपक्षी पार्टियां चंद्रशेखर आजाद के पास खुद आएंगी गठबंधन करने के लिए और ऑफर देते हुए नजर आएंगे। आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए अखिलेश यादव बिल्कुल चाहते हैं कि चंद्रशेखर आजाद उनके साथ आ जाए, हालांकि नगीना सीट पर झटका मिलने के बाद चंद्रशेखर आजाद ने खुद कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन से किनारा कर रखा है, लेकिन अगर राजनीतिक मांग है कि जरूरत ऐसे पड़ती है तो जाहिर तौर पर आकाश आनंद ने भी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा जब बीबीसी पे इंटरव्यू दे रहे थे तब भी उन्होंने ये बात कही थी खुलकर कि अगर उनको लगेगा कि उनको किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करना चाहिए तो अपनी शर्तों के साथ वो गठबंधन करेंगे। तब फिर उनसे पूछा गया कि बीजेपी के साथ करेंगे तो बोले बिल्कुल अगर ऐसी जरूरत पड़े तो कर सकते हैं। तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद का भी वही सिनेरियो बनता हुआ नजर आता है और सभी पार्टियों का वही लगभग होता है। चंद्रशेखर आजाद क्या रणनीति निभाते हुए नजर आ सकते हैं उत्तर प्रदेश में, बिहार में, हरियाणा में, दिल्ली में और तमाम उन राज्यों में जहां जहां विधानसभा चुनाव का शंख जो है वो बजने जा रहा है। लेकिन आजाद उत्तर प्रदेश में मीरापुर की सीट पर आखिर किसे चुनावी मैदान में उतारेंगे, यह सवाल लगातार राजनीति में एक अहम मुद्दा बना हुआ है। गलियारों में हलचल इस बात पर तेज है कि अगर चंद्रशेखर आजाद तमाम राज्यों में अपनी
पैठ मजबूत करने में लगे हुए, अपना जनाधार मजबूत करने में लगे हुए, तो उत्तर प्रदेश में ये एक सीट जो मीरापुर की सीट है, जहां पर सबसे अधिक दलितों की संख्या है, इस सीट पर आजाद कैसे और किस रणनीति से वोटों को, सीटों को और जनता का दिल लुभाते नजर आ सकते हैं। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज।